सेक जाए तो मैं सेक ही जावा। हाँ ऐसा कर लेने। तो तुझे देखो ठीक है ना कुछ? हाँ ठीक है। हाँ मैं गई सी बाजार तो मैं बंद ले के आ गई। इधर से इधर सैंडविच बना लेंगे। आहो पर पोत तो तू दस्ते दिया करना क्या मेरे को पहले पैकेट पाए हो या तो होर मंगवाने की की लोड़ सी कोई नहीं पहले भी सैंडविच बना ला फिर नाले ना कॉफी में खंड घट पाया कर तू खंड बहुत ज्यादा पानी तू सी घट पींदे एक मिनट चल घट पे इतनी धनिया पा छेती कर आधा आधा सारा कुछ पा दे मैं तो भी उबल गया सब्जी बन गई वधिया हो गया ते मैं आटा गूंथा सी ते 10 मिनट बैठ जा मेरी लत्तां दुख लग गई फिर मैं फुलके ला दूंगी। हां चलो ठीक है चल हुण वेख लवे धनिया कट के पा लवे। हां जी मम्मी खलारा बड़ा पिया होया चुकदी है नहीं ले सका मम्मी जी। सस्ती काल गुरप्रीत सस्ती काल की हाल है? मेरा तो ठीक है तुसी सुनाओ। मेरा की हाल होना मेरा ओही हाल है फर्क नहीं जो अगे सी फर्क नहीं पिया फर्क दी गल छड्ड परा घर का काम सारा घर का काम तो मैं कर दी हाँ और मेम साहब थोड़ा कुछ कर दी है मैनू कह रही है कि मम्मी आ भी करो तो वह भी करो यह तो चंगा हो तू लागे रही है तो आके वेख ली ता ही मैं जल्दी जल्दी आ जाती हाँ झाती मारन गया तुम कम तो नहीं करते पे फिर उ कुछ पुत जे दो फुलके खाने है तो कम तो करना ही पैना वह मैनू दो फुलके खाने तो उंज नहीं बना के दूगी काम कर रहे ता ही बना के दो है ना ते होर की चल कोई लोड़ नहीं है काम करन दी बैयो तुसी अपनी तबीयत का ध्यान रखिया करो वेख लो एवें नहीं कहते तिया तिया ही होंदिया तेनू दुख हो गया कि मेरी माँ काम करन डई है उन्हू थोड़ा कोई फर्क पैंदा जरा क मैं दो मिनट बह जावा ना कितें आद नहीं गई जरा क दो मिनट बह जावा ना मैं तो मैनू कहती है कि उठ के काम कर पता कदी मैनू कहती गोभी छिल कदी आलू छिल कदी प्याज छिल हौली हौली करके सारी सब्जी मेरे को कटा लेंदी है तो मैं की करा पुत कटनी तो पैनी धियां धियां ही होंदियां पुत जे नूहां धियां बांझण तो धियां नू कौन पुछे चल कोई गल नहीं मेरी धी मैनू नहीं चंगा लगता बस ऐसा कुछ चल आ जा बह जा बैठो तुसी बैठो कोई नहीं मैं तो बह नहीं नी किरण किरण हाँ जी मम्मी आ वेख तेरी भैन आई हो हाँ जी आई सस्त्रीकाल गुरप्रीत सस्त्रीकाल की हाल ठीक है कदों आई हुणे हुणे आई मैं ते चलो और मम्मी काम कर दे सी नहीं नहीं मम्मी किथे काम कर दे काम ते मैं करन दी ही मम्मी ते थोड़ा बहुत हाथ ही मारन दे ही मैं वेख्या कि हाथ नहीं मार देवे काम ही कर देवे सी नहीं नहीं तुई तानू मैं किन्नी बारी समझाया ना करवाया करो उन्ना को काम उन्हें तबीयत ठीक नहीं रहती ते गुरप्रीत तेनू की लगता मम्मी सारा दिन काम कर देंदे काम तो सारा मैं करन दी हुणे सारे वे किचन साफ करके आई हाँ ते आ तेनू पता ही है इत्थे जिहड़ा भी कोई बहिंदा है सारा कुछ खिलार देंदा वा ते मम्मी तुई दस्सिया नहीं गुरप्रीत नू सारा काम तो मैं करदी पुत मैं की दसना सी उन्हें तो अपनी अखी वेख लिया दसदी तो मैं ता ही है ना जो वेंदी रहा हुण तो अपनी अखी वेख लिया चल मैं ना बीपी की गोली दे दे कल दी मैं गोली भी नहीं खाधी मेरा बीपी बड़ा वधिया पिया किन्नी वारी क्या टाइम सर दिया करो भाभी ना दवाई वह हुण आपे दवाई लैन गए एक ठीक नहीं है तो हुण आपे दवाइया लैन एक जिम्मेवारी तो निभा लो तुसी ढंग नाल बार बार समझाई जाइए बस तुहानू चलो मैं पानी लेके आनी हूँ तुम मारो नीचे गल्ला चंगा लेते मैं तो कस के रख दी चंगा है पुत ना मैं नहीं ना कस सकती जे उन्हें शिकायत तेरे वीर नू लाती तो फिर तो मेरी गल सुन जदों आनी ना इतना थोड़ा जहा बोल के जाया कर इनू पता लगे मेरी धी है ये मैनू तेरा पूछे ही ना इतना शुक्र कर तू इत लग गई मकान ले ले मैनू पूछ ता ही इसे करके ले चल चंगा क्यों ताड़ी तबीयत नहीं ठीक रहनी मैं ता ही इधर आई घर को कर कोई सब्जी सूजी तेरे बना के आई नहीं मम्मी आने बनानी मैं तू चुप कर फिकर ना कर तू इतों शामा तक बैठी रह आटा भी गुजिया पे मैं तेनों आटा भी दे दाँगी तो सब्जी भी आलू गोभी की बनाई है तो सब्जी तेनों आलू गोभी की पसंद बड़ी है वो मैं दे मम्मी
पानी पी लो। हाँ मैं क्या गला सोख गया ना तड़। हाँ पुत। गुरप्रीत तू ही वैसे ही आए थे? हाँ जी, क्यों मैं अपने घर हूँ ना नहीं सकती, दस की आना पाऊगा सानू। नहीं नहीं मैं क्या शायद कोई काम होना था आए, क्यों नहीं आ सकते तड़ा घर जो तो मर्जी आओ। मेरा जी की तो मम्मा नू मिलन ते मैं आ गई। हाँ चलो कोई नहीं, मम्मी मैं ना कुछ खाने लेके आनी है, ठीक है? हाँ ये तेन पूछन की मेरे को लोड़ ही नहीं सी, तू जाके लेके आ। हाँ भावे धी मेरी लागे आंदी भावे दूरों आंदी है, तेरा फर्ज है पूछना, जा जाके लेके आ। चलो मैं लेके आनी हूं। हाँ करो तुसी गल्ला। आ वेहला है इन्हू तो चुभ दी हो और की है किवें कहंदी की करन आए, मतलब कहंदा ते इही है पर तू वधिया कीता जेड़ा तू कहता कि मैं आ नहीं सकती अपने घर पेके मैं जदों मर्जी आवां। नहीं तो तू इहदी परमिशन लैके थोड़ा आना हैगा। और की हाले ते मां प्यो दे हुंदे आ ए हाल है। तू छड परा तू आ रोज आया कर सकूं, मेरी गल सुन नाले पुत तेरा खर्चा बचूगा। वेख तू मेरे लागे रहन डई है, ठीक है लागे रहन डई है, लागे रहन दा ये फायदा है कि तू सब्जी भाजी रोटी पानी इधरों खड़िया करना उधरों नहीं खड़ना, ते नाले हुण गई है ठीक है। मैं ना थोड़े जे पैसे तेनू देनी है, वो पैसे रख अपने कोल।
ਘਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਧੀਏ? ਵੇਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਰਸ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ ਰੋਟੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ।
की हो गया मेरी मम्मी नु की हो गया है अभी की होया मम्मी अभी हाँ मैं तुझे फोन किया मैं दौड़ी दौड़ी आई नाल ही की होया पता नहीं पुत पता नहीं बीपी वधी है की होए तू दवाई नहीं सी खादी नहीं पुत दवाई है जे किथे लिया गया दित्ती है नाल मेनू ध्यान रखनी किथे है कुछ खादा तुसी नहीं पुत मैं नहीं कुछ खाता ना ही कुछ देता मेनू किसी ने भाभी तो ही देंदे नहीं मम्मी नु टाइम से रोटी भी रोटी दोगे तो दवाई खान गे भी की हाल हो गया मम्मा का किन्ने बीमार हो गए चलो मैं आ गई है ना टेंशन नहीं लेनी मम्मा गुरप्रीत चंगा है तू आ गई मेरे पुत हाँ मोडे भी कुट चंगी तरह किन्ना बीमार करता मेरी मम्मी नो हूँ लागे पुत बन के को खड़े लत्ता भी कुट दो नाले ना कुछ खाने भी लिया दो इन्ना ने ना पहला खा लिया है वा की खा ले कुछ भी नहीं खाता उन्होंने कमान की भी जांच होनी चाहिए है मैं आपे खवा लगी मम्मा नु तुम लत्ता कुट दो थोड़िया मम्मी तुम दस नहीं दे की दसा पुत की दसा भुखे भाने बैठे सवेर दे बीपी मम्मी तुम इन्ना ज्यादा नहीं है हमने तो तुम खिचड़ी खाधी है पुत मैं कदों खाधी है एवं झूठ बोली जाने मेरे झूठ बोली जाते तो ही हाँ वेला तेरे सामने ही है जब वो कहते नहीं खाधी तुम ही पता नहीं किनू खवाए हो कोई भूत खा गया उन्होंने आके की खाना मम्मा तुम मैनू दसो मैं बना के देनी तुम पुत लत्ता घुट दो यार लत्ता घुट दो तरले कटने पैदे ते रह दो बह ही उठे अपनी मां हो फिक्र हो मेरे तो बगैर ना कोई मम्मा की सेवा नहीं करता जे मैं लागे ना ना होव तु तो मेरी मां मार ही दवो गुरप्रीत बस कर हूं तुम दोवें जने मेरी गल सुनो तो तू भी बह आ छड़ दे कुछ नहीं हो गया मम्मी क्यों नहीं हो गया ताडे भाने तो कुछ भी नहीं होया तू बैठ मैं तेन सारी गल दस दी फिर तू आपे वेखी कौन सही है ते कौन गलत बोलो बोलो गुरप्रीत मम्मी नू ना बीपी सिर्फ माइनर जिहा वा ते 99 बुखार आ मैनू ए नहीं समझ आंदी मम्मी इतना क्यों करन दे आ ते मम्मी ए सारा कुछ खा पी लिया वा दुध पी लिया वा ते ताडे आंदे जान के ड्रामे करन दे आ अच्छा मेरी मां ड्रामे करदी पई है ए ना तुसीं मम्मी नू पुछो पहला ओ क्यों करनगे ड्रामे ए इतना क्यों करन दे आ नहीं ओ क्यों करनगे ड्रामे अपनी धी सामने इंज क्यों करेंगे ओ ए ना तुहानू मावां धीआं नू पता होगा कि ताडी दोवां दी की खिचड़ी पकदी रहिंदी है साडी की खिचड़ी पकदी भी है मैनू ना पागल बनाने की कोशिश ना करो ते मम्मी तू दसन नहीं दे सारा कुछ गुरप्रीत नू की दसा मैं बोल दसी की दसा मैं ए दसा मैं कुछ खाधा पीता नहीं हैगा ओ तुहानू नजर ही आण डिया मेरी शकल वेख के पता ही लगण डिया वाह जे ता डीनी दम कितना आ गया मम्मी जरूरी है कि कुछ खादा पीता ना होवे तो बोल ही ना सके हो मैनू नहीं पता गुरप्रीत मम्मी इस तरह क्यों करन दे है गुरप्रीत ए ता किसे गल च आन नहीं डई एनू तो यह है कि मां मेरी झूठ बोलन डई है तू इंज कर मेरी धीए तू रह पै मेरे को रात ठीक है रात आहो सवेरे चल जी मेरी ती रात मम्मी नाले तू मेरे को रात रहेंगी ना ते वेख लेगी कि मेरी मां दी किन्नी तबीयत खराब है इनू तो मजाक लगन डिया ड्रामा लगन डिया इनू तो रात की मतलब मम्मा तुहाडा मैं नहीं रात रह सकती मेरे भी बच्चे हैं मैं अपने बच्चों नू भी वेखना है मेरे घर सास सहुरे मैं उन्होंने छड़ के इंज नहीं रह सकती ते ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਤਾ
बिल्कुल बहुत सही कह रही है, मेरे को नहीं सेवा होती मम्मी की। तू ना नाल ही ले जा मम्मी नू। आहो पुत चल मेनू ले जा तू रात। नहीं मम्मा मैं नहीं लेके जा सकती, इतने भाभी आपे तुहाडी सेवा करनगी, मैं नहीं लेके जा सकती। लै अपनी मां नू नहीं लेके जा सकती तू? दस मम्मी वेखो या कहो ले जा पुत तीन चार दिन। नहीं मम्मा इतने तुम चंगे पहले हो, तुम इतने सेवा कराओ अपनी नू को, मैं नहीं लेके जा सकती। गुरप्रीत की कह रही है तू? वो तेन तीन चार दिन कह रही है, घट्टो घट तो एक रात मैनू ले जा तू, तू दे सामने इतना कर रही है तेरे करके। मैं किन्ना ना माड़ा कहती रही हूं, जो तू तो कहती रही मैं वह कुछ करती रही हूं। साडा तो बड़ा वधिया सी नूं सास दा, तू ही मैनू आके कहती सी कि मम्मी जी उहदे नाल कोई काम ना करवाया करो, तुम बीमार पाया करो, मैनू कुछ होया थोड़ा कर, यह तो सारा मैं नाटक करन डई सी वह भी तेरे कहते। तू हुण मैनू ही कहने मैं घर नहीं लैके जाना, लड़ाई तो सारी नूं सास विच तू पाई है, आप तो बड़ी वधिया रहन डईआं सी। सवेरे तो तू मैनू फोन ते कहा सी जो मैं तेन कहा कि गुरप्रीत मेरा माड़ा जहा बीपी वध्या, तो तू मैनू कहा मम्मी जी माड़ा जहा ना को बहुत वधिया लंबे पै जाओ सेवा कराओ देखो, नहीं तो मैं तो हैगी है ना। तो हम जो सेवा करने की वारी आई तो तू मूह मोड़ लिया, तू यह चाहती सी कि मेरी तो तेरी भरजाई की लड़ाई हो, मैं बेवकूफ तेरिया गल्ला च आ गई, तेरे करके मैं उहदे नाल भी लड़दी रही हाँ। किरण पुत मैनू माफ कर दे, मैं दिया गल्ला च आ गई ते तेरे नाल मैं लड़दी रही, तू तो पुत मेरे नाल बड़ी वधिया चंगी भली रहन डई, तेरिया ही अखा अगे पड़दा आ गया सी कि जिहड़ी मैं सच वेख नहीं सकी, बस इहदियां गल्लां च आ गई ते अपनी इन्नी वधिया नूं ना नूं नहीं धी नाल गलत करती रही। असली धी तां पुत मेरी तूं आ। बिल्कुल मम्मी मैनूं तुहाडीआं सारीआं गल्लां पता दोवां दीआं, पर मैं आप ही नहीं बोलदी कि घर का माहौल ना खराब हो जाए। तुसीं एक गल नोट कीती मम्मी, तुसीं अपनी कुड़ी नूं ना फोन कीता उह तां आई इत्थे, ते जे तुसीं फोन करके ना दसदे उहनूं की पता लगना सी, ते मैनूं ते पहलां ही पता सी। मैं ही गल दा तुहाडा सारा काम करनी, तुहानूं जो जो चीज़ां चाहीदियां सारियां मैं ही लै के देनी, ते तुसीं सही गल कही किरण तो मैं फोन अपनी धी नूं कीता ते फिर वह आई है, जे मैं ना फोन करती ते मेरी सेवा तो तू ही करन डई सी ना। बिल्कुल मम्मी ते अगे भी करती रहांगी, जिहड़ी कोल है उहदी मैनूं कदर नहीं ते फोन करके मैं उहनूं सद्दण डई। ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਟੋਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੀ ਅਸਲੀ ਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਕਿਓ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਨੋ ਬੋਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਰਾ ਕੋ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਤਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿਰ ਬੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਬੰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋ।